लोकसभा चुनाव ने ले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। कोटा, बूंदी, जालौर, सिरोही और टोंक सवाईमाधोपुर और पाली सुप्रत्याशी भरिया नामांकन। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झालावाड़ में कर नामांकन रैली ने संबोधित। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल में हर वर्ग और खेतर में हुयो विकास रुकाम। कांग्रेस करेली डोर टू डोर अभियान की शुरुआत। कार्यकर्ता घर घर जा लोगों ने बांटेला गारंटी कार्ड। दौसा में पुलिसकर्मी करया पोस्टल बैलेट सु मतदान। अठे काल भी कर सकेला पुलिसकर्मी वोटिंग। सीकर में भाजपा प्रत्याशी और सीपीआईएम प्रत्याशी के बीच रोचक मुकाबलो। दोनों प्रत्याशी जीत खातर कर दिया है प्रचार जनसभा। नमस्कार, राजधानी समाचार में सगलारो घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जुवा विगतवार। लोकसभा चुनाव ने ले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज वेगी है। भाजपा का वरिष्ठ नेता और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय खेतर सु आपरो नामांकन दाखिल करया। इन दौरान वणारे साथ है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रिया। ओम बिरला जनसभा ने संबोधित करता थका कया कि कोटा में कई विकास काम हुआ है और आगे भी मां की प्राथमिकता कोटा रा विकास री रहवेली। वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विपक्ष में थे आरोप मांडिया। कोटा बूंदी लोकसभा सीट सु आज बहुजन समाज पार्टी रा प्रत्याशी धनराज यादव भी आपरो नामांकन दाखिल करया। वणारे साथ है बसपा रा के कार्यकर्ता मौजूद रिया। पाली लोकसभा खेतर सु भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी आज नामांकन दाखिल करया। वे समर्थकारे साथे निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पुग्या। इन मौके वणारे साथे केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट सु भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक शोभा चौहान समेत कार्यकर्ता मौजूद रिया।
पार्टी देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार इस नारे के साथ में चुनाव के मैदान में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के रण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पराक्रमी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास रखने वाले देश भर के करोड़ों लोगों ने तमाम कयासों को झुठलाते हुए 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर और 2019 में 300 पार के नारे को साकार किया। उसी अनुक्रम में जो विश्वास माननीय मोदी जी की सरकार ने अपनी कार्य पद्धति से और माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से इस देश के आम जनमानस के हृदय में बनाया है, उस विश्वास जिसको हम परिश्रम के करके चलते स्थापित कर पाए, उस विश्वास के आधार पर अब की बार हम 400 पार के नारे के साथ मैदान में। जालौर सिरोही लोकसभा खेतर से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी आज नामांकन पत्र दाखिल करया। इन दौरान वनारे साथ है भाजपा रा कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रिया। सबसे बड़ा मुद्दा है वो सिरोही और जालौर के लिए वो है पानी का, और पानी के लिए हमने पहले भी आपको ध्यान है खूब लड़ाई लड़ी। पहला अभिषेक अभी इलेक्शन लड़ रहा हूँ इसलिए नहीं है, 5 साल और उससे पहले भी मैंने पानी की लड़ाई लड़ी है और अभी भी पानी की लड़ाई लड़ूंगा। और पानी के लिए जैसे बत्तीसा का बांध है उसको हमने आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और हमारे जनप्रतिनिधि मिल करके पहली बार 213 करोड़ रुपये पास करवाए और 105 फुट की हाइट में बांध का निर्माण हो रहा है। उसका पानी हमारे सिरोही के बांधों में लाएंगे और फूलों का पानी और ला करके वहाँ बांधों को भरेंगे और नदियों को जीवित करेंगे। इसके साथ साथ में माही के पानी के लिए मैं कई सालों से लड़ रहा हूँ, जहाँ 1968 से लगाकर आज तक सारे कागज लेकर के मैंने इनको जो भी कोई भी प्रभारी मंत्री आया होगा कोई भी आया होगा तो हमेशा हमने प्रार्थना पत्र दिए और अब के भी हमारे में मुख्यमंत्री महोदय आबू रोड पधारे तब भी हमने दिया और उसके लिए पानी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता पानी की रही। टोंक सवाईमाधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा आज नामांकन दाखिल करया। इन दौरान वनारे साथ कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रिया। हरीश मीणा भाजपा प्रत्याशी ने बाहरी बताता थका कया कि जनता अब झूठा लोगा ने सुनो नी चावे है, जीत खातर कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रिया है। जनता के साथ अन्याय विश्वासघात झूठ की जो गारंटियां दे रहे हैं उसको हम उठाएंगे, जनता को बताएंगे पिछले 10 साल में क्या हुआ, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, महंगाई कितनी कम हुई और जाति और धर्म के नाम पे भटका के लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ हम बताएंगे जनता के मुद्दे। जनता जानती है कितनी सड़कें बनी 10 साल में, कितने हॉस्पिटल बने क्षेत्र में, कितने कॉलेज खुले, कितने स्कूल खुले, जनता के ये मुद्दे हैं और हम जनता के मुद्दे जनता के बीच में जाएंगे। और जनता बहुत सीखा है जनता ने 10 साल में, एक बार मौका दे दिया, दो बार दे दिया, बार बार मैं मानता हूं भारत की जनता उनसे मुक्ति लेगी। भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कया कि लाडला 10 वर्षा माए देश अभूतपूर्व तरक्की करी है। नड्डा आज झालावाड़ माए भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंगरी नामांकन रैली ने संबोधित करता थका कया कि 2029 ताई भारत विश्व री तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जावेलो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रा कार्यकाल माए हर वर्ग और हर खेतर माए विकास काम हुआ है। इन दौरान भाजपा री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी जनसभा ने संबोधित करता थका कया कि एक टेम हो जब भाजपा री 2 लोकसभा सीटा ही आज 300 से 32 है। प्रधानमंत्री विकासवादी सोच सु झालावाड़ रो विकास हुयो, वना कया कि मां की पार्टी सबने साथ ले चाल है। मित्रों जब हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, आप बताइए कि यहां पर सड़कों का जाल बिछड़ा है कि नहीं बिछड़ा है, बताइए बिछड़ा है कि नहीं बिछड़ा है। एक वक्त ऐसा भी था जब देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सिर्फ कितनी सीट थी, 2 सीटें थी, आज कितनी है,
अधिक सीटें आज भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के अंदर है। एक भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय नहीं थी, लेकिन आज 17 प्रदेशों के अंदर या तो भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों की सरकार बैठी हुई है। यह नड्डा जी का कुशल नेतृत्व का कमाल है और साथ में मोदी जी की दूरदर्शी सोच, जिसकी वजह से यह कमाल आप लोग सबके सामने आज उपस्थित प्रस्तुत है। कांग्रेस रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कया कि पार्टी डोर टू डोर अभियान री शुरुआत करेली। वणा नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कया कि कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस रो गारंटी कार्ड घर घर जार बांटेला और लोगों ने बताया कि इंडी अलायंस गठबंधन री काई काई प्राथमिकता है। वणा बताया कि मां की सरकार हमेशा सु गरीबा रे साथ है री है और आगे भी गरीबा रा हित में काम करेली। ये कार्ड जो है, ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हम हमारी सरकार अलायंस की सरकार आने के बाद हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ये इसमें सविस्तार से बताया गया है और हम लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। इससे पहले भी हमारी बगैर गारंटी बोलते हुए हमने गारंटी के प्रोग्राम दिए, जैसा कि मनरेगा, जैसा कि एजुकेशन का, जैसा कि आरटीआई, जैसा कि हमारे पार्टी के वो कमीशन और जो फूड सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें हम कभी नहीं कहा था कि हम एक आने वाले इलेक्शन में करने वाले। सरकार आने के बाद ये प्रोग्राम हमने हाथ में लिए और कामयाबी के साथ सारे देश के लोगों को हमने इसका फायदा दिया। आज मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं, वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण ने ले दौसा माए आज वोटिंग शुरू हुई। पुलिसकर्मी पोस्टल बैलेट सु मतदान करया। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार बताया कि दौसा सीट सु 5 विधानसभा क्षेत्र रा पुलिसकर्मी आज मतदान करया। पुलिसकर्मी काल भी मतदान कर सकेला। कि जो भी ऑफिशियल्स चुनाव ड्यूटी में लगते हैं, क्योंकि उस दिन वो ड्यूटी करते हैं तो वो उस दिन ईवीएम में अपना वोट नहीं कर पाते, उसके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें जो भी पुलिसकर्मी हैं जो उस दिन ड्यूटी पर रहेंगे, उनका आज और कल पीजी कॉलेज के अंदर मतदान करवाया जा रहा है पोस्टल बैलेट के माध्यम से। इसके बाद 5 तारीख को जयपुर में क्लियरिंग हाउस है, जिसमें हमें जो यहाँ पर दौसा में पुलिसकर्मी पोस्टेड है लेकिन वो कहीं और के मतदाता हैं, हमें उनके भी पोस्टल बैलेट्स प्राप्त हो जाएंगे और 5 तारीख के बाद एक बार पुनः फैसिलिटेशन सेंटर लगाया जाएगा ताकि जो दूसरे जिलों के मतदाता हैं उनके भी वोटिंग हो सके। इन दोनों मतदान दिवसों के बाद भी यदि कोई कार्मिक, कोई पुलिस कार्मिक छूट जाता है तो पुनः जब डिस्पैच होगा तब वापस से पोस्टल बैलेट की फैसिलिटेशन सेंटर लगाए जाएंगे ताकि जो भी पुलिसकर्मी 18 और 19 को चुनाव ड्यूटी में रहेगा वो अपने मत का जो है प्रयोग कर सके। वोट के टाइम देते थे तो उसमें ड्यूटियां रहती थी, इसलिए परेशानी होती थी, भाई वोटिंग नहीं दे पाते थे। इस बार चुनाव विभाग की ये अच्छी सुविधा है जिसे वोट टाइम से 10-15 दिन पहले ही दे दिया और हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने जो हमारे चुनाव का जो क्षेत्र में कैंडिडेट है उसको वोट दे दिया आराम से। पुलिस डिपार्टमेंट में करती हूँ और
हमने जो हमारे कैंडिडेट है उसी को वोट दिए जो हमारे देश को विकास कर सके। हम चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे इसलिए हमने आज मत का प्रयोग किया है और हम ऐसे उम्मीदवार को मत किया है जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और इसी का अधिकार मत का प्रयोग करते हुए देश हित में मत का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान माए 25 सीटा खातर दो चरणा माए चुनाव वेला। चुनाव माए प्रदेश रा कुणकुण सा मुद्दा रे वेला खास काई वेलो राजनीतिक समीकरण देखो पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम माए। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या खास बात है इस बार? देश और प्रदेश के कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे खास? क्या राजस्थान फिर से दोहराएगा 2019 का नतीजा या इस बार देखने को मिलेंगे नए परिणाम? राजस्थान में क्या है राजनीतिक समीकरण? क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक और पूरा विश्लेषण देखिए डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024 रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। लोकसभा चुनाव ने ले जयपुर शहर रा मतदाता वामाए खास उत्साह है। मतदाता आबाली सरकार सु अपनी अपेक्षा वा व्यक्त करी जटा युवा वारी रोजगार ने ले अपेक्षाएं वठे लुगाया महंगाई सु राहत चावे है। युवा का एक ही मोटिव होता है कि सबसे बड़ा जो अभी बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, सरकार भले बीजेपी की हो या कांग्रेस की, हर बार सरकारें आती है युवाओं को अलग अलग योजनाओं का आश्वासन देती है लेकिन जब बात काम करने की आती है तो सारी सरकारें भले ही वो कांग्रेस हो भले ही बीजेपी हो वो कहीं ना कहीं पीछे कदम ले लेती है और युवा यही चाहेगा जो भी सरकार आए उनको युवाओं को भ्रमित ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी पेपर लीक जो भी युवाओं के मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। देखो योजनाएँ जो भी आए लेकिन सबसे बड़ी बात है योजनाओं को लागू करना इम्प्लीमेंट करना। हम देखते आ रहे हैं योजना बहुत सारी शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है पूरी तरह से। तो योजना जब भी बनाई जाए उससे पहले ही पूरी तरह से ये सोच विचार करना चाहिए कि इस योजना को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, किन किन को इस योजना से फायदा पहुँचाया जा सकता है, तभी उस योजना के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। अभी 25 लोकसभा के सांसद थे राजस्थान के, मगर 25 में से एक ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जनता के लिए या राजस्थान के लिए। भाई को कोई भला काम किया हो, एक कॉलेज लाए हो, एक हॉस्पिटल खोला हो, कोई ऐसा काम नहीं है। रोजगार के नाम से कुछ भी काम नहीं है, बेरोजगार इतने बढ़ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए, भाई कितनी नारी शक्तियों को जॉब दिया आज तक। बूंदी माए मतदाता जागरूकता ने लेर हुआ सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम रे तहत विद्यार्थी जागरूकता रैली काढ़ी। रैली ने उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल हरी झंडी दिखा रवाना करया। स्वीप प्रोग्राम के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की आज्ञा से शहर के स्कूलों के बालक बालिकाओं द्वारा स्वीप रैली निकाली गई थी। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को 26 तारीख को होने वाले मतदान के दिन मतदान के लिए प्रेरित करना है तथा 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करना है। अजमेर माए मतदाता जागरूकता ने ले स्वीप एक्सप्रेस बुलेटिन सु मतदाता ने की जानकारियां दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित बताया कि स्वीप एक्सप्रेस एक समाचार पत्र है जिनमाए सप्ताह भर री स्वीप गतिविधियां री जानकारी प्रकाशित करी जावे है। अब आरताई इंद्रा 2 अंक प्रकाशित हो चुका है। अजमेर जिले में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक्सटेंसिव स्वीप एक्टिविटीज की जा रही है। इसमें हमने एक इनोवेटिव अजमेर स्वीप एक्सप्रेस स्टार्ट करी है। ये एक हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बुलेटिन्स हैं जिसके अंदर हम हर वीकली एडिशन्स निकालते हैं। उसमें उस वीक में जो भी स्पेसिफिक इलेक्शन रिलेटेड हाइलाइट्स होंगे उनके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ उसमें और उसको रोमांचक करने के लिए और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग तरीकों से
कविताओं के माध्यम से, पहेली के माध्यम से लोगों को उसमें और इंग्रॉस किया जाता है और इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। विभिन्न नवाचार करने के लिए स्वीप एक्टिविटीज के तहत प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को मार्गदर्शन दिया गया है, जिसमें अजमेर जिले और संसदीय क्षेत्र की जो निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर भारती जी, उनका ये मानना है कि हम इस प्रकार के नवाचार करें जो आम मतदाता तक पहुंच बनाएं, और उसी के तहत एक स्वीप एक्सप्रेस करते हुए बुलेटिन जारी किया गया है। और इस बुलेटिन को जारी करने का जो उद्देश्य रहा है उनका, वो ये रहा है कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में आम मतदाता तक जो विभिन्न प्रकार के एप्स हैं उनकी जानकारी पहुंचे और उसको प्रस्तुत करते हुए आम मतदाता क्या चाहता है उसके भी विचार और अभिव्यक्ति उस अखबार के अंदर आए। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेषांक और ये प्रति सप्ताह निकाल रहे हैं, उसमें हमने क्या है कि चार पृष्ठ निकाले हैं और फिजिकली और डिजिटली दोनों तरफ से निकला जा रहा है। और उसमें जो फिजिकल और डिजिटल स्वरूप है उसमें पहला जो पेज है वो हमने जो अजमेर संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या विशेष गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है उनको स्थान दिया गया है, और दूसरे नंबर का पृष्ठ है वो हमने स्वीप संपादकीय के रूप में रखा है जहाँ जो कलेक्टर महोदय वो या सीईओ सर जिला परिषद हो या और जो आईएएस है जिला कलेक्टर अजमेर और ब्यावर और केकड़ी या डीसी सर हैं वो किस तरह से अपनी बात को अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं वो स्वीप संपादकीय पृष्ठ रखा गया है दो, और तीसरा पृष्ठ रखा गया कि इसमें किस तरीके से हम स्वीप साहित्य रच सकते हैं, क्योंकि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा के लिए हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ मिले, बड़ों के लिए कुछ मिले, गीत कहानी कविता के द्वारा बच्चे और समाज की मतदान देने की प्रक्रिया है वो एक विचारधारा उनके दिमाग में बैठे। सीकर में भाजपा प्रत्याशी और सीपीआईएम प्रत्याशी के बीच रोचक मुकाबला देखने मिल रही है। भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती लाड़ला 10 साल रा विकास कामा और उपलब्धियां ने गिनाया, तो वटे सीपीआईएम प्रत्याशी अमरा राम कया कि फसलारी एमएसपी, बेरोजगारी, पानी री समस्या प्रमुख मुद्दा है। दोनों प्रत्याशी दूरदर्शन सु खास बातचीत में आपनो विजन रखा। कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, उमंग है, उसको देखते हुए लगता है कि हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा उत्साह है लोगों में और अच्छी जीत होगी। हर बार की तरह अनेकानेक जो मुद्दे आते हैं विकास के, पिछली बार भी जैसे पेयजल को लेकर, सड़क को लेकर विकास के अनेकानेक मुद्दे रहे थे, कितने उनको हमने पूरा किया है और इस बार क्या वादे रहने वाले हैं जनता के लिए? माननीय भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद हमने दो काम और किए हैं। एक तो पेयजल के लिए हमारी 6 विधानसभाओं में संकट था, तो इंदिरा गांधी नहर से पानी आएगा, उसका बजट स्वीकृत हो गया, DPR कंप्लीट हो गया है। 2 साल के भीतर भीतर हम लोगों को पानी पिला देंगे। यमुना जल समझौता हुआ है, उसमें अभी DPR तैयार होगा और मेरा विचार है कि 5 साल का हमारा कार्यकाल है, उसमें उसका काम शुरू हो करके और वो जो नदी का पानी है, बाढ़ का पानी, 4-5 महीने वो भी मिल जाएगा। सीकर को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है, एजुकेशन हब बनाने के लिए आपके विचार भी थे और आपने कहा था कि अथक प्रयास किए जाएंगे, उसमें कहाँ तक अपडेट है? और अभी हमें सीकर में कुछ और काम भी करने हैं। अभी विश्वविद्यालय बन गया है, विश्वविद्यालय में बहुत से सब्जेक्ट हैं और हैं या आने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीकर हॉट सीट बना हुआ है, जहां एक और भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर कॉमरेड कहे जाने वाले अमरा राम जी हैं। इस चुनाव में आप जो किसानों की मांग है उसे किस प्रकार देखते हैं और चुनाव के बाद में जो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप केंद्र तक जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो इस सीकर लोकसभा क्षेत्र का है पेयजल का, मतलब मेजोरिटी गांव 60-65% गांव और कस्बे आज शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। दूसरी जगह किसान को MSP का सवाल है, जो खेती में जो इम्पुट्स थे, डीजल हो, खाद हो, बीज हो, इनके कंपनियों के हवाले करने से कई गुना रेट बढ़ गई और उस अनुसार किसान की पैदावार का भाव नहीं मिलता, इसलिए सबसे बड़ी घाटे का सौदा इन नीतियों के कारण खेती हुई है और यही सरकार चाहती है। इसलिए MSP की गारंटी हो, ये कानून है। एक रोजगार का सवाल है, महंगाई से सरकारी जो विश्वविद्यालय है उसमें आज भी सिवाय डिपार्टमेंट के एक भी सेंट्रल कॉलेज नहीं है, तो
केवल डिपार्टमेंट से तो विश्वविद्यालय नहीं चलता, केवल विश्वविद्यालय के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए तो नहीं है। बहरहाल क्या होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम ही जल्द ही तक सामने होगा। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज जयपुर। झुंझुनू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कानीसू काड़ीगी मतदाता जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्र छात्रावा भाग लिया। रैली के जरिए लोकसभा चुनाव में आमजन ने बत्तो सु बत्तो मतदान करवारो संदेश दियो गयो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रा पवन पूनिया बताया कि निर्वाचन आयोग कानीसू झुंझुनू में रैली के जरिए शत प्रतिशत मतदान रो संदेश दियो गयो। दिव्यांग लोगों ने झुंझुनू जिले के प्रत्येक मतदाता को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वो शत प्रतिशत अपना मतदान सुनिश्चित करें, लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि हमारे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्माण हो सके। प्रत्येक मतदाता जागरूक होगा तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, और मताधिकार का प्रयोग करेगा तो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं विकसित होंगी। दिव्यांगों ने जो रैली निकाली है वो वोट देने के लिए निकाली है, तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि शत प्रतिशत अपना वोट दें। और जिस तरह देखा कि बच्चों ने कैसे ये संदेश दिया कि हमें अपना कीमती वोट देना चाहिए, तो सभी को अपना वोट जरूर देना चाहिए। और चालवा पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबर। लोकसभा चुनाव ने लेर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। कोटा, बूंदी, जालौर, सिरोही और टोंक सवाईमाधोपुर और पाली सुप्रत्याशी भरिया नामांकन। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झालावाड़ में कर्या नामांकन रैली ने संबोधित। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल में हर वर्ग और हर खेतर में हुयो विकास रुकाम। कांग्रेस करेले डोर टू डोर अभियान री शुरुआत। कार्यकर्ता घर घर जाड़ लोगों ने बांटेला गारंटी कार्ड। दौसा में पुलिसकर्मी कर्या पोस्टल बैलेट सु मतदान। अठे काल भी कर सकेला पुलिसकर्मी वोटिंग। सीकर में भाजपा प्रत्याशी और सीपीआईएम प्रत्याशी रे बीच रोचक मुकाबलो। दोनों प्रत्याशी जीत खातर कर रिया है प्रचार और जनसभा। हाल तक खास राजस्थानी समाचार। नमस्कार।